बागमारा के भाजपा विधायक झुल्लू महतो गुरुवार को धनबाद में खूब दहाड़ा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया और कहा कि धनबाद में देश का सबसे बड़ा घोटाला, चोरी और बेईमानी हुई है और हो रही है। विधायक ने कहा कि वो अपने स्तर से इसका भरपूर विरोध कर रहे हैं। नतीजा है कि उनके खिलाफ लगातार मुकदमे हो रहे हैं, लेकिन अन्य लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। उन्होंने बड़ी बात ये कही कि अगर धनबाद में चोरी बेईमानी नहीं हो रही है तो देश के सभी चोर और बेईमानों को भी छोड़ देना चाहिए, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। धनबाद में कोयले की लूट मची हुई है, बालू की लूट हो रही है, अपराध की स्थिति सबके सामने है, बावजूद हेमंत सरकार चुप है। बहुत दुख के साथ रखना पड़ रहे हैं, सम्मेलन बहुत दुख के साथ रखना पड़ रहा है, क्योंकि माननीय हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का एक स्टेटमेंट आया प्रभात खबर में, प्रमुखता से उसे छपा गया है। झारखंड के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, अधिकारी होंगे तैनात। ये कितने बड़ी शर्म की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने इस वक्तव्य को किस गर्व के साथ कर रहा है, मतलब कितना बड़ा काम कर रहा है कि यहाँ के मजदूरों के लिए महाराष्ट्र में खुलेगा सेंटर, अधिकारी देना है। इसका मतलब क्या है? झारखंड सिर्फ मजदूरों के लिए झारखंड बना है, झारखंड मतलब उत्पत्ति करने के लिए, मतलब झारखंड प्रोडक्शन मजदूरों का प्रोडक्शन करता है। इसे शर्म आनी चाहिए और ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व जानता है कि भारत में सबसे धनी राज्य, धनी संपदा से भरा झारखंड को सबसे धनी राज्य के नाम से या हेड जाना जाता है। उसके बाद हेमंत सोरेन जी कितने गर्व के साथ कह रहे हैं कि यहाँ के मजदूरों के लिए वहाँ सेंटर खोला जाएगा, वहाँ अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा। इस बात को बोलने में उसे शर्म जरा से भी नहीं, उसे डूब मरना चाहिए। अगर ये वो बोलते कि दूसरे प्रदेश से यहाँ पे कोई कमाने के लिए आता तो उसके लिए सुरक्षित रूप से हम सेंटर खोलेंगे और वैसे मजदूर को हम सुरक्षा देंगे, तो ये विफल मुख्यमंत्री है। इनका कोई तरह का सफलता बोल ही नहीं सकता है। जो जिस राज्य के मुख्यमंत्री, जिस राज्य जो सबसे धनी राज्य है, इस राज्य के मुख्यमंत्री अगर इस तरह का भरसक निकाल रहा है तो ये बेकामी मुख्यमंत्री है, नेकामी है, जिसे पानी में डूब के मरना चाहिए। हेमंत सोरेन जी चुनाव में घोषणा पत्र में अपना ये भी दिए थे, दायर किए थे कि हम हर साल प्रत्येक साल पांच लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, यहाँ से कोई मजदूर अप्लाई नहीं करेंगे, एक भी मजदूर को यहाँ से अप्लाई नहीं होने देंगे। कांग्रेस का कहना था कि हम झारखंड के हर घर में सरकारी नौकरी देंगे अगर हमारी सरकार बनी तो। आज क्या उल्टा जवाब दे रहा है राज्य की जनता को, राज्य के नौजवानों को, राज्य के बेरोजगारों को, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं अपनी ओर से कहना चाहेंगे कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के गठबंधन सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार कुर्सी पर नहीं बनता। ये सच्चाई है कि आज झारखंड में जिस प्रकार से पूरे झारखंड को लूटने में और लुटवाने में लगा हुआ है, इसी के लिए ये मुख्यमंत्री किसी तरह से कई प्रकार से मुख्यमंत्री बनना था, इसी तरह का बड़े बड़े वादा घोषणा इन्होंने चुनावी घोषणा पत्र में दिया और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया। लोगों ने जो वादा जनता ने जनता के बीच में किए थे, जिस वादा जिस विश्वास के साथ झारखंड के लोगों ने वोट दिया वो मुख्यमंत्री बनेगा और पूरे झारखंड के साथ साथ धनबाद में पूरे भारतवर्ष में जितना बड़ा लूट और घोटाला हुआ था, सबसे बड़ा लूट और घोटाला अगर हुआ है तो धनबाद में हुआ है। अगर ऐसे अधिकारी ऐसे लोग अगर बच जाएंगे तो देश में हर लुटेरा को छोड़ देना चाहिए, हर भ्रष्टाचारी को छोड़ देना चाहिए। अगर धनबाद इतने बड़े लूट और इतने बड़े लुटेरों को अगर बच जाए
तो देश में कोई भी लुटेरा हो उसे छोड़ देना चाहिए। इसलिए हम केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि धनबाद में इतनी बड़ी लूट को छूट नहीं मिलनी चाहिए, और जो भी लूटते हैं और लुटेरे लोग हैं वो बचना भी नहीं चाहिए। इतना बड़ा लूट पूरे देश में कहीं पे भी नहीं हुआ जो वर्तमान में अभी धनबाद में हुआ है, हो रहा है। ऐसे लोग बच जाएंगे तो देश में हमें लगता है कि इससे बड़ा लूट नहीं हुआ तो सारे लोगों को छोड़ देना चाहिए। इसलिए यहां का जांच का मांग करते हैं, और इसमें सीधा सीधी मुख्यमंत्री जरूर, इसमें मुख्यमंत्री का संलिप्तता है, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही यह लूट हुआ है। और मैंने पहले भी मुखर होकर राज्य के हित के लिए, राज्य को लूट से बचाने के लिए जनता के बीच में हेमंत सोरेन जी को असली चेहरा, असली सोच विचार जनता के बीच में बराबर लाने का मैंने काम किया है, और आने वाला समय में भी उनके जितने केडर कार्यकर्ता है, प्रमुख लोग जो अपने आप को बड़े बड़े नेता बोलते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो बैठ कर लुटवाने का काम कर रहा है, उसे लोग भी नहीं बचने जा रहा है और बचना भी नहीं चाहिए। इनके लूट के दरमियान, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में लूट के दरमियान हजारों आदिवासी दलित गरीब गांव के लोग, अवैध उत्खनन के दौरान उनकी मौतें हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और ये सब बात गलत है तो हम पर मुकदमा होना चाहिए, अन्यथा जांच तो होनी चाहिए। 10-5% के बात नहीं, मर में जो बात बोल रहा हूं 100% ये सत्य निकलेगा। 10-20% हम नहीं बोल सकते कि ये कमी पेशी हो सकता है, मगर ये 100% सच्चाई है। जो बात हमने बोला वो बात सच्चाई है। और हेमंत सोरेन जी में नैतिकता है, झारखंड के प्रति दर्द है, तो तुरंत उसे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो बेशर्म वाली बात बोली है। शर्म होना ही नहीं चाहिए, ऐसी बात बोलना ही नहीं चाहिए। इस तरह का बात बोलकर अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि हम कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, कितने बड़े यहाँ के मजदूर के मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं। यहाँ से मजदूर का जैसे लगता है कि झारखंड में मजदूर का प्रोडक्शन होता है, और यहाँ से मजदूर बाहर भेजा जाता है, और यहाँ के लोग बाहर से लाठी डंडा खाकर घर वापस आना पड़ता है। आप कोरोना काल में देखे कितने बड़े बात किए थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले को भी हम हवाई जहाज में चढ़ा दिए। वाह, हवाई चप्पल वाले को अगर बाहर नहीं जाने दो और यहाँ रोजगार दो तब तो हम जानेंगे। हेमंत सोरेन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विधायक ने मुख्यमंत्री तक की संलिप्तता का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं को गुमराह कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुर्सी पाई है। झारखंड के प्रति उनके मन में कोई चिंता नहीं है। उन्होंने मुंबई में झारखंड के लोगों के लिए नौकरी की व्यवस्था करने की बात की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वहां अधिकारी तैनात किए जाएंगे जो व्यवस्था को देखेंगे। इस पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में सारे लोगों ने देख लिया कि किस तरह घर परिवार छोड़कर लोगों को लौटने में परेशानी हुई। आखिर क्यों नहीं झारखंड में ही ये व्यवस्था मुख्यमंत्री करते हैं कि लोगों को रोजगार मिले। विधायक जुल्म महतो आज काफी आक्रामक मूड में थे। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।